कृषि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का आधार है। ये हमारी कर्मठता की पहचान है, हमारी सफलता और जीत का आधार है। जवाहरलाल नेहरू सेड दैट एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। आज से ठीक 119 साल पहले वर्ष 1893 में कानपुर में राजस्व अधिकारियों के एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना हुई। देश में भीषण अकाल व बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए फेमाइन कमीशन की अनुशंसा पर कृषि शोध एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1906 में इस प्रशिक्षण स्कूल को एग्रीकल्चर स्कूल में तब्दील कर दिया। अविभाजित भारत में ऐसे 4 एग्रीकल्चर स्कूल स्थापित किए गए, कोयंबटूर, नागपुर, कानपुर तथा लायलपुर में। स्वतंत्रता के बाद लायलपुर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। स्थापना के शुरुआती सालों में यहां से पहले 3 वर्षीय फिर 4 वर्षीय लाइसेंशिएट इन एग्रीकल्चर डिप्लोमा दिया जाता था। सन 41 में पहली बार एग्रीकल्चर कॉलेज आया। कॉलेज के अंदर बिजली भी नहीं थी, वहां हाथ के पंखे चलते थे, जो बाहर डोरी लिए आदमी बैठा रहता था और वो हिलाता था और कभी कभी सो भी जाता था तो उसको जगाना पड़ता था। इसलिए 41 के बाद फिर कॉलेज में ये बिजली की पंखे लगे। स्थापना के 50 वर्षों बाद 1956 में कॉलेज का गोल्डन जुबली वर्ष मनाया गया। सन 1969 में कॉलेज को संस्थान का दर्जा दिया गया तथा 1975 में इसके स्वरूप को उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। सन 1981 में प्लैटिनम जुबली तथा स्थापना के 100 वर्षों बाद 2006 में शताब्दी वर्ष का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर 100 साल की शोध उपलब्धियों व इतिहास को टाइम कैप्सूल के माध्यम से 1000 फीट की गहराई पर भूमि में प्रवेश कराया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने उच्च पदों पर विराजमान रहे पुरातन छात्रों को सम्मानित भी किया। कॉलेज बड़ी उन्नति किया और सब जगह फैला हुआ है और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही उन्नति करता रहे और देश की प्रगति में हिस्सा लेता रहे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एक ऐतिहासिक कृषि संस्थान के रूप में विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए कृषि के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए इस विश्वविद्यालय कैंपस के कण कण में एक रहस्यमयी दास्तान छुपी है। पत्थरों से बनी इस विशाल इमारत का एक एक पत्थर अपने वजूद को खुद बयां करता है। भवन के विशाल गुंबद, मुख्य द्वार तथा सामने फैला विशाल घास का मैदान इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देता है। कानपुर जैसे भीड़भाड़ एवं प्रदूषित शहर को
यह विश्वविद्यालय शांत और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को कृषि शिक्षा प्रदान कर गुणवान मानव संसाधन विकसित करना, कृषकों के लिए हितकर उन्नतिशील प्रजातियां एवं कृषि तकनीक विकसित करना, शोध द्वारा विकसित कृषि ज्ञान को कृषकों तक पहुंचाना। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 महाविद्यालय हैं, जिसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ होम साइंस तथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा आते हैं। Quality education to these undergraduates and postgraduate students. We think that our students must be given quality education so that they can make their future bright, and whenever they move from this place to another place, they must be respected and appreciated by the people that they are from a good institution. Chandrasekhar Azad कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत चल रहे 3 महाविद्यालयों में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देश का प्राचीनतम कृषि संस्थान है। इस समय हमारे इस कॉलेज से जो है प्रतिवर्ष लगभग 150 जो है छात्र जो है प्राथमिक की शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं और बाहर चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में हो, चाहे वो अन्य वैज्ञानिक सेवाओं में हो, वो अपना जो है योगदान दे रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत उद्यान विभाग सन 1945 में स्थापित हुआ। इस वाटिका का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। ये उद्यान विज्ञान विभाग का उद्यान है जो लगभग 4.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें फलों के पौधे, उनके बाग, फूलों के पौधे, उनकी क्यारियाँ। फलों में आम के यहाँ पे बाग है, जिसमें मुख्य रूप से आम्रपाली सघन बागवानी के उस पर लगाया गया है। अमरूद है, अमरूद में विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पे जितनी भी प्रचलित हैं उनके सभी पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ में अंगूर है, बेर है, फालसा है, लीची है, ये सब पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने शोध कार्य करते रहते हैं और शोध पत्रों का समय समय पे उच्च कोट के जितने भी जर्नल हैं उसमें प्रकाशन है। यहाँ स्थित जापानी गार्डन में मौजूद कला और आकृतियाँ दिल को छू लेती हैं। यह पुरातन सभ्यता एवं कला का एक अनोखा संगम है। यह उद्यान विज्ञान विभाग के अंतर्गत जापानीज और संकन गार्डन नाम से प्रसिद्ध दिव्य ज्ञान वाटिका के अंदर आप प्रदर्शन देख रहे हैं। इसमें हम विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में छोटी जगह को कैसे सुंदर बना सकते हैं। इसमें पानी एक सिरे से बहता हुआ दूसरे सिरे पर जाता है, तो जापानीज गार्डन का प्रमुख सिद्धांत है। आप इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न पौधों को, जिसमें क्लेरोडेंड्रन इनर्मी को टोपेरी के रूप में, साथ ही साथ यहाँ बरगद के नीचे फ्लोर्स पर बैठे हुए हैं जो केवल सोच विचार काम करते हैं, ये सोचते रहते हैं और अपनी विभिन्न शोध ग्रंथियों, शोध कार्यों से पब्लिक को अपने प्रचार प्रसार के द्वारा बताते रहते हैं। विभाग के अंतर्गत छात्रों को फसलों के व्यावहारिक ज्ञान वर्धन के लिए उद्यान के अंदर ही प्रैक्टिकल क्लासेस चलाई जाती हैं। इस उद्यान में एक विशेषता यह है कि यहाँ पर सुदूर पहाड़ों एवं दक्षिण भारत में उगाई जाने वाले पौधों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो आज की आवश्यकता है कि जो हमारे पास जो फैकल्टी है, फैकल्टी का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
दिन प्रतिदिन नई नई जो है आविष्कार हो रहे हैं। साथ ही साथ हम एक्स्ट्रामुरल जो लेक्चर हैं, जो अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनको बुला करके और विभिन्न विषयों में या विभिन्न टॉपिक पे जो है उनका जो है हम लेक्चर करा करके जो अपने जो है फैकल्टी को अपग्रेड करेंगे। पशुपालन विभाग की स्थापना सन 1960 में की गई। दुग्धशाला में पशुओं को संतुलित आहार एवं हरे चारे की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। गत 5 वर्षों में इस दुग्धशाला से 6 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन किया जा चुका है। विभिन्न गायों एवं भैंसों की प्रजातियों का रखरखाव किया जा रहा है। कुक्कुटशाला इकाई में विभिन्न जातियों जैसे वाइल्ड लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश, प्लाइमथ रॉक, अशील इवाम, कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे एवं मुर्गियों का रखरखाव किया जा रहा है। अंडों से चूजे पैदा करने की हैचरी भी स्थापित की गई है। इनमें से भारतीय नस्ल की जातियों में अशील एवं कड़कनाथ मुख्य हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत शिक्षण कार्य के साथ साथ विभिन्न फसलों की कृषि तकनीकों का विकास किया जा रहा है। सीमांत एवं लघु किसानों के आर्थिक विकास के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया गया है। ये हमारा आन स्टेशन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है। इसमें हमने फिलहाल 3 कंपोनेंट्स जो है इंटीग्रेट किया है। एक क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर और हमने एक सप्लीमेंट्री इंटरप्राइज के रूप में हमने एपियरी को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी कि आज जो हमारा उत्तर प्रदेश में खास तौर से हम देखें तो हमारा 90% किसान जो है वो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में हैं, जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम या 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के बीच है। तो ऐसी अवस्था में इन किसानों का पोतः भरण पोषण कैसे हो, उनकी लिवलीहुड सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन हो, इसलिए ये एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन के हिसाब से, डिफरेंट फार्मिंग सिचुएशन के हिसाब से ये मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं कि किसान इस छोटी लैंड से किस तरह से वो वर्ष भर उसे रोज़गार मिले, उसे आमदनी मिले, साथ ही साथ उसका जो पोषण सुरक्षा है वो भी मेंटेन रहे। तो ये मुख्य उद्देश्य है इसका। इसी को लेकर के यहाँ आन स्टेशन में हमारे मुख्य केंद्र में ये मॉडल डेवलप किया गया है और अभी हमने इस वर्ष 12-13 में ये तीनों जो हमारे कंपोनेंट हैं उनसे हमने लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की है। मौसम वेधशाला से प्राप्त आंकड़ों एवं शोध के उपरांत कृषकों को मौसम के पूर्वानुमान एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारी ये जो वेधशाला है ये क्लास 1 की वेधशाला हो गई है। इससे हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं ये वेदर पैरामीटर लेकर के इसके बाद हम इसको IMD पुणे को ट्रांसफर करते हैं। वहाँ से फोरकास्ट प्राप्त करके उस फोरकास्ट के आधार पर हम किसानों को साप्ताहिक एडवाइजरी बनाते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट योजना ही, उस योजना को उसी के पास ऑब्जर्वेटरी के पास हम ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान वेदर है, डे टू डे वेदर कंडीशन जो है हमारी फसलों पे क्या इफेक्ट डाल रहा है और उसको मॉडल के माध्यम से कैलकुलेट करके कि किस वक्त किस वेदर कंडीशन में हमारा रोग आ रहा है, कीट आ रहा है, उसका निदान क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को रिसर्चेज करके हम अपने किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के क्वालिटी कंट्रोल लैब में मिट्टी की पौध, जल, उर्वरक, पोषक तत्वों एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की फाइटोबायोलॉजी लैब के अंतर्गत पौधों में लगने वाले रोगों तथा उनके प्रबंधन पर शोध कार्य किया जाता है।
बायो कंट्रोल लैब के अंतर्गत ट्राइकोडर्मा नामक जैव उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जो फसलों की भूमि जनित रोगों से बचाव करता है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने पे हम उसको विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं, और ये ट्राइकोडर्मा को हम कृत्रिम माध्यम पे पैदा भी कर सकते हैं। इसकी अपनी विशेषताएं हैं। विश्वविद्यालय का ये बहुत बड़ा ये उपलब्धि है कि इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और हमारे कार्यों इस विश्वविद्यालय के कार्यों से प्रभावित होकर के हमको केंद्र सरकार ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक हमको उसकी परियोजना दिया है। मशरूम विभाग के अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं शोध कार्य किया जाता है। मशरूम शोध एवं विकास केंद्र द्वारा किसानों एवं उत्पादकों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही साथ कृषि महाविद्यालय के अभिन्न अंगों में डिपार्टमेंट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एंटमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं। इन सभी विभागों में बीएससी के छात्रों को एनसीसी व एनएसएस का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना तथा उनमें सेवा भाव पैदा करना। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसके तहत कृषि महाविद्यालय के छात्रों को किसानों के गांव भेजा जाता है, जहां वह उनकी समस्याओं को सुनते हैं तथा उनके प्रबंधन उपायों पर शोध करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में सन 1986 में गृह विज्ञान एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ। सन 1996 में गृह विज्ञान महाविद्यालय संकाय के रूप में परिवर्तित किया गया, जिससे देश एवं प्रदेश के विभिन्न भागों से गृह विज्ञान में शिक्षा के द्वार खोल दिए गए। गृह विज्ञान संकाय में 5 विभिन्न विभाग हैं: खाद्य पोषण, वस्त्र, गृह प्रबंधन, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एंड बाल विकास। 5 विभाग के अंदर हमारे यहाँ पे यूजी एंड पीजी प्रोग्राम चलते हैं। यूपी के अंदर ये ओनली संकाय है जहाँ पे 5 विभागों में पीजी प्रोग्राम चल रहा है। विज्ञान संकाय में हर डिपार्टमेंट में 2 से 3 लैब्स हैं। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर फूड साइंस लैब है, जिसके अंदर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपके टेस्टिंग होती है, सारी रिसर्चेज उसमें होती हैं, तो इस तरीके से। एंड बायोकेमिस्ट्री की आपके टेस्टिंग होती है। दूसरी लैब उसके अंदर कुकिंग सिखाई जाती है। FRM लैब में एक इंटीरियर डेकोरेशन की है, ये हमारा प्रोफेशनल इलेक्टिव भी है, जिसके अंदर बच्चे प्रोफेशनली पॉट मेकिंग है, फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं, और जितनी भी आपके हैंडीक्राफ्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। HOD डिपार्टमेंट में हमारी एक नर्सरी लैब है बच्चों की, जिसके अंदर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं उनका सारे डेवलपमेंट, उनके प्ले ग्रुप्स को, और इतने सॉर्ट ऑफ एक सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारे संकाय के लिए कि जो बच्चों से फीस आती है उसको हम रिवॉल्विंग फंड में भी डालते हैं। बच्चे हमारे डाइट काउंसलिंग भी करते हैं, डाइट काउंसलिंग महिलाओं को भी करा जाता है, कैंप्स लगा के भी करा जाता है। सर्विस प्लस डॉक्टर्स और इंजीनियर सब आते हैं यहाँ पर, हम लोग के कैंप्स लगते हैं प्रांगण में, और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स उनको डाइट काउंसलिंग देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है हमारे जनरल पब्लिक को पहुँच सके। जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी अच्छी जगह पे नेट भी क्वालिफाइड करते हैं, वो JRF भी क्वालिफाइड करते हैं, और उनके प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हायर वो लोग अपना। मेनली तो आपका टीचिंग लाइन है, अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं आप, ये जो हमारी कारपेट इंडस्ट्रीज है उसमें लग जाते हैं, आपका जो फूड डेरीज के अंदर आपका जो डेयरी डिपार्टमेंट है उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ के जितने भी पास आउट बच्चे हैं वो एक सेक्शन ना जाके हमारे मल्टीपल सेक्शन में, इन द मल्टीमीडिया आल्सो वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा। ज्ञान का ज्ञान।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा की स्थापना 1994 में हुई। इसके अंतर्गत बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज आते हैं। इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दिस रीजन इज रिच इन मिल्क, एनिमल प्रोडक्शन एज लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैव दिस एज ए मेजर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरेबल श्री मुलायम सिंह यादव जी has taken further initiative to sanction College of Dairy Technology to further boost the dairy development through teaching, research and extension of latest technological development in this area in year 2006. A College of Fisheries has also been provided at Itawa to further improve the income levels and protein sufficiency. स्थापना से अब तक 1350 छात्रों ने शिक्षा उत्तीर्ण कर देश विदेश की महत्वपूर्ण सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। We are very premier in agricultural quality research. Our university has produced wheat varieties in 1916 for the first time in India. Similarly, this place has been very pioneer for producing oil varieties, and apart from this, it has contributed significantly to give good new varieties in pulses and vegetables. मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय का जो गौरवमयी इतिहास रहा, जिसको हम आज भी कहते हैं, जो कि 68 वैरायटी जो हमारी क्वालिटी में जो निकली थी, वो हमारी आज भी जो है क्वालिटी के नाम पर जो है प्रसिद्ध है। और इस समय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जो फसलें हैं, चाहे वो गेहूं की हों, चाहे वो तिलहन की हों, चाहे वो दलहन की हों, चाहे वो सब्जियों की हों, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा 250 प्रजातियां किस्में जो है विकसित की जा सकती। उन्नत कृषि तकनीक के साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्न फसल की अब तक कुल 42 प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। And has made significant contribution in development of several high-yielding disease-resistant quality wheat varieties, and more than 42 wheat genotypes till now have been released from this section. The first variety developed from this center was C313. After that, landmark wheat variety K68, highest protein, about 40%, good in chapati making quality. Internationally recognized wheat variety. No variety across the country has so far this kind of quality. आज के बदलते हुए टेम्परेचर में हम लोग ऐसी प्रजातियां कर निजात किए हैं, जैसे शताब्दी K307, यह 55 से 60 क्विंटल हिट देती है तथा इसमें टर्मिनल हिट टैलेंट है। इसकी सबसे प्रमुखता यह है कि चपाती इसकी बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा लेट शोर में यह केन बहुत से प्रजातियां गेहूं की निकाली है, जैसे हल्ला, इसकी बुआई किसान भाई 15 जनवरी तक कर सकते हैं। यह पूरे देश में अनोखी प्रजाति है जिसमें टर्मिनल हीट टॉलरेंट दाने के भरते समय बढ़ते हुए तापक्रम 35 से 36 डिग्री सी के टेम्परेचर का भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दाना सिकुड़ता नहीं, रोटी बहुत अच्छी बनती है। एक और समस्या है जो हमारा सिंचित क्षेत्र है, जो जहाँ पानी की कमी है, जैसे आपका बुंदेलखंड इलाका है, मिर्जापुर का इलाका है, वहाँ के लिए हमारी दो वैरायटी K8027 और मंदाकिनी K9351 बहुत अच्छी उपज दे रही है। और इसमें प्रारंभिक अवस्था में शुष्क अवरोधी है और जब दाना भरता है तो ताप अवरोधी।
विश्वविद्यालय द्वारा दलहनी फसलों में शोध कार्य के उपरांत 58 उन्नतिशील प्रजातियां अनुभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा चुकी हैं। गेहूं और बाड़े का जो है एक राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, जिसमें हमारे इस ग्रीन रिवोल्यूशन के जो हमारे जनदाता हैं डॉक्टर स्वामीनाथन जी भी आए थे। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का डेडिकेशन कितना रहा और इतने हमारे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो है उस कार्यशाला में, जो इस समय जिनकी उम्र कम से कम 84-85 वर्ष है, वो यहाँ पर आकर के और यहाँ डूबी रहे। यदि हम राई सरसों की बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता के पूर्व से ही 1936 में देश की सबसे पहली प्रजाति टाइप 11 इसी केंद्र से विकसित की गई। इसके अलावा लगभग जो है 13 प्रजातियां राई की विभिन्न परिस्थितियों के लिए तथा 4 प्रजातियां तोरिया की, 6 प्रजातियां येलो सरसों की तथा 2 प्रजातियां ब्राउन सरसों की इसी केंद्र द्वारा विकसित की गई थी। गौरव प्रजाति हमारे केंद्र द्वारा 1987 में विकसित की गई, जो कि डबल पर्पज वैरायटी पहली है, जो कि जिससे कि हम बीज के साथ साथ रेशे का भी उत्पादन ले रहे हैं और इस रेशे का प्रयोग हमारे जो उत्तम क्वालिटी के प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि इस विश्वविद्यालय का एक लैंडमार्क योगदान इस देश में रहा है। देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 5-6 जो वैरायटीज है वो पेटेंट हो चुकी है तकनीकी जो है। साग भाजी अनुसंधान की स्थापना सन 1954 में हुई। यहाँ से विभिन्न साग भाजी फसलों जैसे मटर, टमाटर, मिर्च, बैगन व मसाला फसलों की लगभग 55 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है। सन 1954 में की गई थी, तो इस मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए कौन सा अच्छी उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया जाए, जो रोग रोधी प्रजातियां हैं या कीटों जो कीट न लगने वाली प्रजातियों का विकास किया जाए। और एक सबसे बड़ा इसका एक और मुख्य उद्देश्य था कि हम जो जनक बीज उत्पादन करें, यहाँ जो प्रजातियां निकले उनका न्यूक्लियस बीज बनाएं, न्यूक्लियस से हम उनका जनक बीज ब्रीडर सीड पैदा करें, अब वो फिर धीरे धीरे उसके ऊपर किसानों में हम उसको पॉपुलर करें और उसको हम किसानों तक भिजवाएं। हमारी मटर की नई प्रजाति है ये, लगभग भारत में 70% जगहों पर ये कवर कर रही है, ऐसी बहुत ही डिमांड है। कभी कभार तो इसकी हम मांग भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, इसे हम आगे बहुत ही लार्ज स्केल पर करने जा रहे हैं। ये जो प्रजाति हमारी EP3 के डॉक्टर साहब बता रहे थे, इसका सबसे बड़ी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है। साठ के दशक में जब देश में खाद्यान्न की समस्या थी, विदेशों से गेहूं का आयात किया जाता था, तब इस विश्वविद्यालय ने वीट की कई हाई यील्डिंग वैरायटी देकर हरित क्रांति में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल हाई यील्डिंग वैरायटीज के प्रोग्राम यहाँ चला 1970 के करीब, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप जानते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन हुआ, करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फूड प्रोग्राम्स आ गए और उसमें सब जगह वैरायटी निकलती चली गई। दी हैज गॉट वेरी स्ट्रांग सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। विद दिस सेक्शन वी टेक केयर अबाउट द लैब टू लैंड प्रोग्राम। Whatever researches university produces
we try to extend the benefit of those researches to the level of farmers. विश्वविद्यालय में प्रसार निदेशालय की स्थापना 1975 में विश्वविद्यालय के शोध तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए की गई थी। इसमें मुख्यतः जो कार्यक्रम होते हैं मुख्यालय में, यहाँ पर जो भी अधिकारी है किसी की, उनको जो IAS PCS आते हैं उनको अधिकारी और डिफरेंट लेवल पर उनको शिक्षा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे मैंने बड़ी जो उपलब्धि और ये है ये चीजें को जो भी टेक्निक्स है उसके द्वारा अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल वुमेन्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द यूथ्स। निदेशालय वर्ष में दो बार भव्य किसान मेले का आयोजन कराता है जिसमें भारी संख्या में कृषक लाभान्वित होते हैं। इसमें विभिन्न फसलों के बीज व तकनीकी भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी यूथ है वहाँ पर उनको कैसे अपने रोजगार को अपने तैयार कर सके उसके लिए उस क्षेत्र की जो भी वहाँ पर उपलब्ध है और जो भी जिस तरह का वहाँ पर वातावरण और उसको ध्यान में रखते हुए जो कारीगर वहाँ पर हो सकता है कार्य उसके ऊपर भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अपना बेरोजगार रोजगार खुद कर सके एवं खुशहाल बना सके अपने परिवार को। गांव-गांव की महिलाओं व युवाओं को विभिन्न कुटीर व लघु उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शोध परिणामों को किसानों तक त्वरित गति से पहुंचाने के लिए कृषि सूचना ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसके तहत कृषि साहित्य का पब्लिकेशन कराकर पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ किसानों की सुविधा के लिए डोर टू डोर सीड डिस्ट्रीब्यूशन योजना भी शुरू की गई है। इसके साथ ही कृषक विश्वविद्यालय सहभागी बीज उत्पादन योजना शुरू की गई है, जिससे किसान और विश्वविद्यालय दोनों ही लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि वर्ष 12-13 में हमने 5,70,00,000 का बीज बेचा है और उत्पादन हमारा 10,326 क्विंटल रहा था, इस उत्पादन को हम बढ़ा करके 12,000 तक ले जाना चाहते हैं और इसकी बिक्री 10,00,00,000 तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा 13-14 का लक्ष्य रहेगा। हमारा नाम गिरजावकर सिंह है, हम बाराबंकी जिले का रहने वाला हूँ। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से जितनी वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारियाँ मिलती हैं उससे हम लोग काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं और उससे काफ़ी लाभ हो रहा है। यहाँ स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी बहुमूल्य तथा दुर्लभ साहित्य का संग्रह है। लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर की पुस्तकों को उपलब्ध कराना है ताकि शिक्षण, शोध व प्रसार के कार्यों में सहायता मिल सके। Our top priority is to take care of students' welfare because they are our ambassador. We must ensure that they should be given all facilities from each and every corner, from each and every officer's desk, because if they will not be happy, perhaps the university will also not be happy.
शिक्षण कार्य के साथ साथ विश्वविद्यालय में छात्रों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए खेलकूद व मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपने छात्रों के लिए अपने छात्रावास निर्मित कराया है जिसमें हमारे छात्र रहते हैं और उन छात्रावासों में उनके लिए जो भोजनालय हैं जिसमें उच्च कोटि का भोजन उनको मिलता है और साथ ही साथ उनमें जो कॉमन रूम हैं उनमें उनके एजुकेशन के लिए उनके मनोरंजन के लिए कई तरह के दृश्य सभ्य साधन लगाए गए हैं जिससे कि वो अपने मनोरंजन भी करते हैं। खेलने कूदने के लिए हमारे पास कई क्रीड़ा मैदान भी हैं जिनमें कि वो कबड्डी वॉलीबॉल खो खो फुटबॉल हॉकी खेलते हैं। उनके लिए हमारे पास एक अच्छा सुसज्जित तरणताल भी है जो आधुनिक है। कि अगर धनुष को हमेशा तना रखा जाए तो या तो टूट जाता है या ढीला हो जाता है, काम नहीं करता। वही हाल दिमाग का होता है। दिमाग को अगर थोड़ा आप रिलैक्स छोड़ेंगे तो उससे आपका जो दिमाग होगा वो ताज़ा रहेगा और चीज़ें आप जल्दी से ग्रहण कर लेंगे। उसी संदर्भ में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हमारे अंतर विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स होते हैं या कल्चरल मीट्स होती हैं उन्हें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें ढेर सारे पदक जीतते हैं। पहुंचाने के लिए हमारा विश्वविद्यालय उनको कई तरह की छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है और भी जो हमारी बाहरी एजेंसीज हैं जैसे कि ICR है वहाँ से उनको JRF वगैरह ढेर सारी फेलोशिप्स वहाँ से मिलती हैं। कई तरह की फेलोशिप हमारे विद्यार्थियों में एक बीमा योजना चल रही है विद्यार्थियों के लिए जिससे कि हम उनको नज़दीक के जो हमारे अस्पताल हैं जो उस बीमा द्वारा चिन्हित हैं उनमें उनको ले जाते हैं जहाँ उनका इलाज जो है अच्छे तरह से होता है। इस तरह से हमारे विद्यालय जो उद्देश्य है कि हम इन बच्चों को स्वस्थ तन मन द्वारा इनको शिक्षा दे के यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में
इस देश का नाम उज्ज्वल रखें, देश का झंडा सारी दुनिया में फहरावें, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी तकनीक है, हमारे देश के किसानों को काम आवे, प्रदेश के किसानों को काम आवे और सारे विश्व काम आवे, जिससे कि विश्व का जन कल्याण हो। Actually, when I came here on that time, at the initial time, we faced some more problem. But by the grace of Almighty Allah and a company of university staff and the students, our problem became solved. I'm very happy in this to prolong our higher education in this university. And as you know better, that this university has this ranking among all over India. रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु छात्र छात्राओं को विदेशी भाषा जैसे इंग्लिश, फ्रेंच तथा जर्मन भी सिखाई जा रही है। Multinational companies have been searching for the various languages such as French, German, which our development coordinator giving us and providing us with the facilities to learn the various languages over here. इस प्राचीन विश्वविद्यालय से पढ़कर अब तक कई छात्र और छात्राएं कुलपति, निदेशक, IAS तथा PCS अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे हैं। हाल ही में 8 छात्रों का चयन एक विदेशी कंपनी द्वारा किया गया है। अब तक प्लेसमेंट का सवाल है तो लगभग अभी तक 2001 से 687 बच्चे विभिन्न कंपनियों में अच्छे पदों पर जा चुके हैं। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट ये कि जो प्लेसमेंट में पर एनम पैकेज है वो 800,000 रुपए पर गया है। We have planned for effective teaching through modern classrooms, virtual classrooms. Not only this, we are also planning that students should also become part of the seminars and discussions. मौजूदा कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह कैंपस का वातावरण स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान शहर के प्रतिष्ठित अधिकारियों के नेतृत्व में चला रहे हैं। अगर तुम हो तो इतना ही जरूरी इनका होना। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 111वीं जन्मतिथि के अवसर पर विश्वविद्यालय में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न फसलों में बेहतर उत्पादन करने वाले 10 कृषकों व कृषक महिलाओं को सम्मानित किया गया। अति व्यस्तता के बावजूद भी कुलपति महोदय प्रतिदिन कैंपस में हो रहे निर्माण कार्यों, विभिन्न विभागों एवं छात्रावासों का निरीक्षण करते रहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। कई कक्षाओं में जाकर वे स्वयं क्लास लेते हैं तथा छात्रों की समस्याओं से रूबरू भी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफर्स ICR एंड फोर्थ डीन्स कमेटी नेशनल कोर ग्रुप रिकमेंडेड करिकुलर प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स। अराउंड 500 स्टूडेंट्स आर बीइंग एडमिटेड एवरी ईयर थ्रू द UP कैडेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस विश्वविद्यालय में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो पूरा यहीं से नियंत्रण में रहता है। जब से हमारे वर्तमान कुलपति महोदय आए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भी कार्य होता है उस कार्यों में आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, क्लियरिटी दिखेगी और पंक्चुअलिटी दिखेगी। आप ये सारी चीजें इतनी त्वरित होती है कि कभी जो वर्षों से लोगों के पेंडिंग में पड़े हुए कार्य थे, लोगों के पेंडिंग में पड़ी हुई परेशानियां थी, ग्रीवेंसेस थे, उन सबको वर्तमान कुलपति महोदय ने तुरंत के तुरंत उसको निस्तारित किया है। और उसके बाद आज भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आप पूरा का पूरा अपने सक्षम, अपने पूरे प्रयास के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरा मेहनत, एक ट्रांसपेरेंसी जिसकी कहा जाता है कि आपसे कोई बात छुपी नहीं हो, उस हिसाब से कार्य कर रही है। मुझे गर्व है मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ।
और यहाँ पे अगर स्टडी के अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है, यहाँ पे इससे पहले की एनुअल फंक्शन नहीं होता था, बीच सर के आने से यहाँ पे एनुअल फंक्शन भी होने लगा है और गेम्स की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ठीक हैं, और पहले हमारा स्टेडियम भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं था और अब स्टेडियम की प्रॉब्लम जो थी वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, और जितने प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में जैसे कि सभी के लिए मौका दिया जा रहा है और पढ़ाई में भी मज़ा आता है और हॉस्टल लाइफ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जय किसान, जय जवान और जय कृषि विज्ञान। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। द मेन एम ऑफ द मैन इज टू बी हैप्पी। फॉर दिस पर्पज एवरी मैन डज मैनी डीड्स। तो इस प्रेजेंट टाइम में हमारे जो वीसी हैं वो ऑलवेज ट्राई टू डू गुड एंड टू बी गुड। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। जय किसान, जय जवान, जय कृषि अभियांत्रिकी। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। देश की प्रगति में भाग ले, उन्नति कराए और सब सिंसियरली अपने काम में लगे रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। जय किसान, जय जवान, जय कृषि विज्ञान। जय सीएसए, जय हिंद। सदियों से खड़ा पत्थर कॉलेज मील का पत्थर रहा है। आओ हम सभी यहां से अपने मील का पत्थर तय करें।